नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया ये रोमांचक मुकाबला, जिसमें अंत तक के जाकर के सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत लिया। ये मुकाबला खेला गया, इस मुकाबले में कई सारे रिकॉर्ड टूट गए। जैसा कि आरसीबी के बारे में जानते थे, 263 रनों का जो 2013 में वहां रिकॉर्ड बनाए थे, विशाल रिकॉर्ड बनाए थे, वो 2024 में आकर टूट गया और 2024 में तोड़ दिए एडम मगरम ने मिलकर के, हैरिन क्लासन ने मिलकर के और अभिषेक शर्मा और साथ में ट्रेविस हेड, सभी ने इस मुकाबले में शानदार वाली लाजवाब बल्लेबाजी खेले और साथ में ट्रेविस हेड ने डेविड वार्नर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो कि 18 गेंदों में नहीं 20 गेंदों में मारे थे 50। उसके बाद ट्रेविस हेड ने इस मुकाबले में 18 गेंदों में 50 रन मारे, उसके बाद डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़े। उसके जस्ट बाद वही मैच में 2 गेंद पहले 16 गेंदों में 50 मारने के बाद अभिषेक शर्मा ने ट्रेविस हेड को भी रिकॉर्ड तोड़ा और डेविड वार्नर का भी रिकॉर्ड तोड़ा और अपने टीमों के लिए कई सारे रिकॉर्ड बना दिए। लेकिन ये जो मुकाबले खेले गए, ये मुकाबले काफी ज्यादा दिलचस्प एवं रोमांचक ये मुकाबला भरा हुआ था। और उधर से बल्लेबाजी करने के लिए आए थे जब मुंबई इंडियंस, जब 277 रनों की पारी खेल चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद, तब आकर के पारी खेले थे। इतना ज्यादा ये रोमांचक मैच था, जितना ज्यादा तारीफ की जाए उतनी कम पड़ेगी। साथ में तिलक वर्मा का जो पारी आया, अच्छी पारी, वो पोटेंट पारी, अगर वो क्रीज पर रुके रहते, अगर वो पर रुक जाते तो मैच का पासा ही पलट देते, वो मैच मुंबई इंडियंस को झोली में डाल चुके थे। लेकिन चुतियाफा कहां हुआ, हार्दिक पांड्या से हुआ। हार्दिक पांड्या ने यहां पर गलती डिसीजन लिया, क्योंकि 20 गेंदों में 24 रनों की पारी खेले, जिस कारण से ये मैच हार गया। अगर वहां पर कम से कम 40 रन मार देते हार्दिक पांड्या तो ये मैच का पासा पलट जाता, ये मैच किसी अलग झोली में जाता। लेकिन यहां पर इनके कारण मैच हारा है आज के दिनों मुंबई इंडियंस, इससे काफी ज्यादा नाराजगी बात आती है, जो कि इतना ज्यादा गंदा ये खेल रहे हैं शॉट। तो चलिए दोस्तों, आई होप इज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छे लगे जरूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।